अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी है उन्नीस सौ चौहत्तर में हुकूमत पाकिस्तान ने तालीम को आम करने के लिए खसूस देही इलाकों जहाँ स्कूलों और कॉलेजों का फुकतान है वहाँ के अफराद को हुनर और तालीम से आरास्ता करने के लिए पार्लियामानी एक्ट के तहत ये यूनिवर्सिटी कायम की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये यूनिवर्सिटी दुनिया की बड़ी यानी मेगा यूनिवर्सिटियों की सफ में शामिल हो चुकी है ये यूनिवर्सिटी फासिलती निज़ाम तालीम की नकीब और दाई है इस निज़ाम तालीम की खूबी यह है कि इससे वो लोग भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं जो किसी वजह से तालीम अधूरी छोड़ गए हैं या वो औरतें जो किसी वजह से तालीम के केसूल के लिए ताली इदारों में ना जा सकती हूँ ऐसे अफराद कारोबार या मुलाजमत को जारी रखते हुए या घर में रहकर आला तालीम का सिलसिला जारी रखकर आला तालीम हासिल कर सकते हैं कारोबार और मुलाजमत में बेहतरी लाने के लिए भी लोगों की एक बड़ी तादाद फासिलती निज़ाम तालीम से मुंसलिक है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी तलबा और तलिबात को माशरती खिदमत की गरज से कम खर्च पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी तालीम उन्हें उनकी दहलीस पर फ्राहम कर रही है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने काम का आगाज चंद कोर्सेज से किया और आज ये यूनिवर्सिटी मैट्रिक से लेकर एम फिल और पी तक के 1250 सौ कोर्सेज पेश कर रही है और इस यूनिवर्सिटी के तलबा की तादाद लाखों में है ओपन यूनिवर्सिटी ने मुल्क की तालीमी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए फासलाती निज़ाम तालीम के साथ साथ रस्मी तालीम का भी आगाज़ कर दिया है फासलाती निज़ाम तालीम में तालब इल्म को दाखिला लेना पड़ता है इसके बाद यूनिवर्सिटी किताबें और अलाइड मटेरियल उनकी दहलीज पर पहुंचाती है ट्यूटर्स की जानिब से तालब इमों को ट्यूटर लेटर जारी होता है जिसके जरिए तालब इल्म की रसाई ट्यूटर तक मुमकिन हो जाती है ट्यूटोरियल क्लासेस मुनद होती हैं जिसकी तफसील ट्यूटर लेटर में दर्ज होती है इम्तिहानी मशकें होती हैं जो आपको घर पर लिखकर ट्यूटर तक पहुँचाना होती हैं ऐसे मजामी या ऐसे कोर्सेस जिनके लिए वर्कशॉप्स लाजमी हों उनका अहतमाम किया जाता है जिनमें तलबा और तालिबात की शिरकत ज़रूरी होती है फ़ाइनल इम्तिहान होता है जिसका इनका इम्तिहानी मराकज में किया जाता है इस तरह एक सेमेस्टर मुकम्मल हो जाता है और अगले सेमेस्टर में दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाता है तमाम सेमेस्टर्स या क्रेडिट मुकम्मल करने के बाद तालिब इल्म को सनत या डिग्री जारी की जाती है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले साल में दो मरतबा होते हैं सेमेस्टर बहार के दाखिले फरवरी में होते हैं जबकि सेमेस्टर खजान के दाखिले अगस्त में होते हैं मुल्क हालात कैसे भी हों यूनिवर्सिटी अपने दाखिले मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ ही शुरू करती है दाखिले के लिए इश्तिहार मुल्क के तमाम मरूफ अखबार में दिया जाता है मेट्रिक एफ ए और बी ए के लिए दाखिले दोनों सेमेस्टर्स में होते हैं जबकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के दाखले साल में एक मरतबा होते हैं इनमें से कुछ प्रोग्राम सेमेस्टर बहार और कुछ प्रोग्राम सेमेस्टर खिजा में होते हैं दाखला लेने के लिए आपको दाखला फॉर्म और प्रोस्पेक्टस खरीदना पड़ता है ये दाखला फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस तमाम रीजनल कैंपसेस और रीजनल ऑफिस में कीमतन दस्तियाब होते हैं हर कोर्स के लिए अलहदा अलहदा प्रॉस्पेक्टस होते हैं इनको पढ़ना और समझना तालब इल्म की जिम्मेदारी होती है इनको पढ़ने और समझने के बाद आपने अपना दाखिला फॉर्म पुर करना होता है दाखिला फॉर्म पुर करने के बाद ज़रूरी कागजात इनके साथ मुंसलिक करके अपने प्रोग्राम के मुताबिक प्रॉस्पेक्टस में बताई गई दाखिला और रजिस्ट्रेशन फीस अपने करीबी किसी भी नेशनल बैंक फर्स्ट वीमेन बैंक बैंक अलफला हबीब बैंक और एल बैंक की नामजद शाखों में से किसी एक में यूनिवर्सिटी की दी हुई तारीख तक जमा करवानी होती है ऐसे प्रोग्राम जो मेरिट बेसिस होते हैं इनके लिए दाखला फॉर्म और ज़रूरी कागजात मुतल ब्रांच में जमा करवाए जाते हैं फिर इनकी मेरिट लिस्ट बनती है अगर आप मेरिट पर पूरे उतरते हैं तो आपको इसकी इतला आपके दिए हुए पते पर दी जाती है आप इतला वाले लेटर के साथ अपने मतलूबा मज़मून में दाखला ले सकते हैं कुछ प्रोग्राम के लिए एन टी एस पास करना जरूरी होता है इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जो तालब यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट पर पूरा उतरते हैं उन्हें दाखले के लिए लेटर जारी किया जाता है और वो तालिब इम इस लेटर के हमरा अपना दाखिला करवा सकते हैं जैसे ही दाखिलों का अमल ख़त्म होता है तो शोबे दाखिला की तरफ से तमाम प्रोग्राम्स की तहसील और जिला के सतह पर कंप्यूटराइज्ड लिस्ट शोब तरसील क़ुतुब को रवाना कर दी जाती हैं भेजने के लिए कुतब लिस्ट के तहत आपके कोर्सेज की किताबें इम्तिहानी मशकें और जिस कोर्स के लिए जरूरी हो उनके लिए ऑडियो कैसेट रेडियो टीवी शेड्यूल इम्तिहानी मशकें या करवाने का शेड्यूल इम्तिहानी मशकों के परत और जरूरी हिदायत नामों के साथ एक बस्ते में रजिस्टर्ड डाक के जरिए आपके दिए हुए पते पर रवाना कर दी जाती हैं इस बस्ते के ऊपर आपका नाम रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप इन्हें अपने पास नोट कर लें जब यह बस्ता आपको मौसू हो जाए तो इसे खोल कर चेक कर लें कि इसमें कोई चीज़ कम तो नहीं है अगर कोई चीज़ कम हो या गलती से आपको मुतल कोर्स की किताब के बजाय किसी और कोर्स की किताब मौसू हो गई हो तो वक्त किए बगैर वो किताब या किताबें एक लेटर के हमरा तब्दील करवा लें इस दौरान आप अपने दोस्त या हम जमात की किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं इसके साथ साथ इम्तिहानी मशक़ें भी लिखते रहें मतलूबा मवाद या किताबें कम मिलने की सूरत में खतो किताबत के लिए पता है मेलिंग ऑफिसर सर्विसेज ब्लॉक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर एच एट इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की किताबें यूनिवर्सिटी के अपने ही प्रेस में छपती हैं हाफ कोर्स के लिए नौ यूनिट और फुल कोर्स के लिए अट्ठारह यूनिट होते हैं हर यूनिट तीस से पैंतीस सफात पर मुश्तमिल होता है और इसमें खुद आजमाइयाँ और इनके जवाब भी किताब में दिए गए होते हैं ये किताबें इस तरह लिखी जाती हैं किलब इल्म इनको बगैर उस्ताद के पढ़ और समझ सकें और इसके साथ साथ अपने इम्तिहान की तैयारी भी कर सकें इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये यूनिवर्सिटी का वो इदारा है जो कोर्सेज की किताबों के मौजूद की वजाहत के लिए रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स तैयार करता है इन प्रोग्राम्स से तालब इलमों को पढ़ाई में मदद मिलती है ऑडियो कैसेट्स वीडियो कैसेट्स और सीडीज खरीदने के लिए आप टेलीफोन नंबर जीरो फाइव वन से कर सकते हैं या फिर खत लिख सकते हैं और इसके साथ मुक्रा फीस डाक खर्च भेजकर मंगवा सकते हैं इस पते पर मटेरियल कोऑर्डिनेटर ब्लॉक नंबर बाईस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेक्टर एच एट इस्लामाबाद ट्यूटर लेटर किताबों का बस्ता मिलने के बीस दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी की जानिब से आपके लिए मुकर करता ट्यूटर का लेटर भी आपको रवाना किया जाता है इस लेटर पर आपके ट्यूटर का पता नाम और आपके ट्यूटोरियल सेंटर का पता मौजूद होता है ये ट्यूटर आपके नज़दीकी रीजनल ऑफिस से मुकर किए जाते हैं अगर आपको इनका लेटर नहीं मिलता तो आप अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस से ट्यूटर का पता हासिल कर सकते हैं रीजनल ऑफिस का पता आपके प्रोस्पेक्टस में मौजूद होता है फासलती निज़ाम के तहत ट्यूटोरियल लाजमी जस्प है जिसके लिए ट्यूटर के दिए हुए पते पर आपको शेड्यूल के तहत आना और अपने ट्यूटर से ट्यूटोरियल मीटिंग में शरीक होना होता है ट्यूटोरियल मीटिंग से पहले आपने घर में किताब पढ़नी होती है और मुश्किल सवालात नोट करने होते हैं ये मुश्किल सवालात आप अपने ट्यूटर से हल करा सकते हैं और अपने साथी तलब इलमों से यूनिवर्सिटी से मुतालिक मालूम भी हासिल कर सकते हैं इसके बाद इम्तिहानी मशक़ें जमा कराने का मरहला आता है इम्तिहानी मशक़ें भिजवाने की मुकर्रा तारीख आपको शोब तरसील की जानब से भेजे गए बस्ते में मौजूद होती है हाफ़ क्रेडिट के लिए दो और फुल क्रेडिट के लिए चार इम्तिहानी मशकें हल करना होती हैं ये इम्तिहानी मशकें आपने कोर्सेज की किताबें और लाइब्रेरी में मौजूद मुतल किताबें पढ़कर और रेडियो टीवी के प्रोग्राम देखकर और ट्यूटोरियल मीटिंग में ट्यूटर से डिस्कस करने के बाद अपने लफ्ज़ों में लिखनी होती हैं इनको लफ्ज़ बलफ्ज़ किताब से नकल नहीं करना होता इम्तिहानी मशक़ें लिखने के बाद इनके ऊपर तीन परत लगाकर जिन पर ट्यूटर का नाम कोर्सेज इम्तिहानी मशक़ नंबर सेमेस्टर मश्क जमा करवाने की तारीख और दूसरे हिस्से पर अपना नाम और रोल नंबर लिखकर ट्यूटर को बसरिया रजिस्टर डाक ट्यूटर के पते पर ट्यूटर के दिए हुए शेड्यूल के तहत रवाना करें या ट्यूटर को ट्यूटोरियल मीटिंग में दें याद रहे पंद्रह दिन के बाद आपको ट्यूटर की तरफ से चेकशुदा इम्तिहानी मश्क और एक परत पर लगे हुए नंबर्स हिदायत और हिदायत लिखे हुए के साथ आपको वापस मिलनी चाहिए अगर आपको वापस ना मिले तो अपने ट्यूटर से या मुतल नज़दीकी रीजनल ऑफिस से कन्फर्म कर लें कि आपकी इम्तिहानी मशकें मौसू हुई हैं या नहीं इसके नंबर लगे हैं या नहीं याद रहे ये इम्तिहानी मशकें फासलाती निज़ाम तलीम में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं अगर आप इन इम्तिहानी मशक़ों में पास हो जाएंगे तो आपको फ़ाइनल इम्तिहान में बैठने की इजाज़त होगी अगर आप इन इम्तिहानी मशकों में फेल हो गए तो आप फाइनल इम्तिहान में बैठने के अहल नहीं होंगे और आपको इन्हीं कोर्सेज में दोबारा दाखला लेना पड़ेगा इम्तिहानी मशकों के बाद फाइनल इम्तिहान का मरहला आता है ये इम्तिहानात आम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तरह आपके घर के नज़दीक इम्तिहानी मराक़ में होते हैं जिनकी इतला आपको शोब इम्तिहान की तरफ से मौसू होती है जिसमें आपके इम्तानी सेंटर का पता तारीख़ और वक्त मौजूद होता है अगर ये डेट शीट आपको मौसू ना हो तो आप अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस या शोब इम्तहाना से हासिल कर सकते हैं इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.aiou.edu.pk से भी डाउनलोड कर सकते हैं वर्कशॉप आपको बहुत कुछ सिखाएगी लेकिन जो बहुत अहम और मेन बात है वो ये है कि आपकी क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे कि एक टीचर को किस किस्म की तैयारी के साथ क्लास में जाना है वर्कशॉप्स साइंस के कोर्सेज के अलावा टीचर एजुकेशन के लिए लाजमी है इनका पास करना भी जरूरी है इन वर्कशॉप्स का इनका मुतल शुबा या रीजनल ऑफिस की जिम्मेदारी है अगले सेमेस्टर में दाखला। जैसे ही आपको किताबें मौसू हो जाएंगी तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अगले सेमेस्टर का कंप्यूटराइज्ड दाखला फॉर्म भेज दिया जाएगा इसको पुर करने के बाद मुकर फीस के साथ प्रॉस्पेक्टस में बताई गई मुकर्रकर्ता बैंक की शाखों में से किसी एक में फीस जमा करवा दें अगर आपको कंप्यूटराइज दाखिला फॉर्म सेमेस्टर बहार के लिए फरवरी के आखिरी हफ़्ते और सेमेस्टर खजान के लिए अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मौसू नहीं होता तो आप वक्त ज़ाय किए बगैर अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस या यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से एक सादा एफ या बीए का फॉर्म खरीद कर या www.aiou.edu.pk से डाउनलोड कर सकते हैं इस पर अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर सेमेस्टर और प्रोग्राम जिसमें आप दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं उसे कोर्सेस के साथ लिखकर और अगर आप अपना पता तब्दील करना चाहते हैं तो तब्दील शुदा पता लिख कर बैंक में मुकर्रर फीस के साथ जमा करवा दें तो आपका दाखला अगले सेमेस्टर में हो जाएगा यूनिवर्सिटी में जारी सरगर्मियां मेलिंग आजकल यूनिवर्सिटी में खिजा सेमेस्टर 2010 में दाखला पाने वाले तमाम प्रोग्रामों के तलबा और तालिबात को किताबें भिजवाने का काम जोरों शोर से जारी है जिसका आगाज 15 सितंबर 2010 से हुआ था और अब ये दिसंबर 2010 के आखिरी हफ्ते तक इख्ताम पजीर होगा इम्तिहानात मैट्रिक एफ ए और दीगर कोर्सेज के इम्तिहानत तीस नवंबर 2010 से शुरू हैं, जो इकतीस जनवरी 2011 तक जारी रहेंगे इन इम्तिहान की डेट शीट तमाम तलबा और तालिबात को उनके दिए हुए पते पर भिजवा दी गई है याद रहे इस डेट शीट पर आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके इम्तिहानी मरकज का पता और पर्चा देने का वक्त और तारीख दर्ज है अगर आपको ये डेट शीट मौसू नहीं हुई तो फिल फोर शोब इम्तिहाना से या अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस से रबता कीजिए इसके अलावा ये डेट शीट आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट है डब्ल्यू फूल है सहरा में या परियां के तार अंदर के तार फूल है सहरा में या परियां के तार अंदर कितार उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन हवाओं में रंग बिखेरते फिजाओं को महकाते फूल चाहे ख़िज़ा के हों या बहार के इनका नज़ारा हमेशा तबीयतों को तरोताजगी के एहसास से भर देता है एरिड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में 25 नवंबर 2010 से 28 नवंबर तक फूलों की एक नुमाइश मुनद हुई जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बहुत से डिपार्टमेंट्स ने हिस्सा लिया 27 नवंबर 2010 को तकसीम इत की तकरीब मुनद हुई जिसके मेहमान खसूस थे चेयरमैन सी टी एमतियाज इनायत इलाही उस तरह की एक्टिविटी को बड़ी कोशिश की प्रमोट करें और आज का जो आपका ले आउट था जो क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स जो डिस्प्ले किए गए मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया गया कट फ्लावर का एग्जीबिशन बड़ा था साबरी ने मुझे बताया डिटेल में इनफैक्ट ये जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की फ्लावर एग्जीबिशन्स करना प्रमोट करना फ्लोरी कल्चर को ग्रीन कल्चर को प्रमोट करना ये बड़ा ज़रूरी है आजकल के हालात में मैं जब सी में आया अभी दोबारा एज़ चेयरमैन मैंने नोट किया कि ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो हमारा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कें बना रहे हैं और बड़े बड़े पुल बना रहे हैं बिल्डिंग्स बना रहे हैं ये इन्वायरमेंटल जो सॉफ्ट एस्पेक्ट है जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है एक शहर की डेवलपमेंट में वो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं अगर आप देखें जो भी मॉडर्न शहर हैं हमारे इस रीजन में देख लें तो आज कल सबका जो ट्रेंड है मॉडर्न लैंडस्केपिंग और मॉडर्न टाउन प्लानिंग का उसमें ये ज़रूरी है कि आप फ्लोरिकल्चर को इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन उसको आप तरजीह दें इसीलिए अब हमने इस्लामाबाद में जो हमारी जो जो हमारा एक जो ट्रेंड है हमारा जो एम्फोसिस था हमने चेंज किया और अब हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि हम जो इस्लामाबाद ग्रीन इस्लामाबाद आपने सुना होगा स्लोगन था हमारा इस्लामाबाद द ब्यूटिफुल हमने चेंज किया बाकी उसको कहते हैं अब इस्लामाबाद द ग्रीन सिटी उससे ये है कि बेसिकली हम सब स्ट्राइव करें कोशिश करें इस्लामाबाद को फर्दर ग्रीन करने के लिए तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने नुमाइश में नुमाया कर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के काउंसिल हॉल में यकम दिसंबर 2010 को मनद होने वाली तारुफी तकरीब में दावा अकेडमी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के केमाय कराम ने शिरकत की ये तमाम कराम मुल्क भर में मुख्तलिफ महकमों में और बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी में खदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अपने तीन महीने की तरबती प्रोग्राम में शरकत के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आए हुए थे और इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुल्क की एक मरूफ जाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का हमने विजिट करना है और उससे मुतल हमने मालूम हासिल करनी है तो इसके साथ ही इन शुर को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा कराया गया जिनमें आई टी उस से मुतलक जो टी वी स्टूडियोज़ हैं रेडियो स्टूडियोज़ हैं उनका विज़िट कराया गया और उसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो प्रेस है उसका भी उन्हें विज़िट कराया गया सबसे अवल में ये फ़ायदा हमें हासिल हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी जिसका हम नाम हमेशा सुनते रहते थे लेकिन हमने कभी उसको देखा नहीं था बल्कि मैं खुद भी एफ का कालबिल्म रहा हूँ यूनिवर्सिटी का और एफ मैंने यूनिवर्सिटी से ही किया है उसके बावजूद हमें मालूम नहीं था कि इतने तालीमी प्रोग्राम चलते हैं और इतने यहाँ पर क्लासेस चलती हैं और एम फिल और पी एच और इस इतना इनका नेटवर्क वसी है देखकर सुनकर बहुत ख़ुशी हुई और खसूसी तौर पर इस्लामियात पर और उनकी दीन शर्ये पर और इसी तरह तहक़ीक पर और इसी तरह उनके बारे में कोर्सेज़ पर यह सुनकर हमें बहुत बड़ी ख़ुशी महसूस हुई चूँकि हम सब खुतबा का ताल्लुक डिफ़ेंस के साथ है आर्मी नेवी और एयरफोर्स के साथ है तो हम पैंतालीस हज़रा जब इधर आए तो हमें बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा तरक्की नसीब फ़रमाए और ज़्यादा इलम के लिए इनको कोशाँ होने चाहिए और मसलसल नए नए तरबियती प्रोग्राम और खसूसी तौर पर तहिकात इस्लामी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तोफ़ी इस यूनिवर्सिटी में वो लोग तलीम हासिल कर रहे हैं जो किसी न किसी शोबे से मुंसलिक है और उसकी वजह यह है कि इस मौजूदा दौर में जब हर शख्स परेशानी का शिकार है और किसी न किसी कारोबार से मुनसलिक है तो इस दौर में एक ऐसा इदारा है जो आज भी तालीम फ़राहम कर रहा है तालीम को आम कर रहा है इस सिलसिले में मैं इस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टाफ को दोबारा एक इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी आज हमने अपने आँखों से इसका मुशाह करके इस बात को हमने देख लिया कि वाकई ये यूनिवर्सिटी जो है एक दूर दराज इलाके में गरीब तरफ शख्स को भी तालीम पहुँचाने में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रही है जो कि मेरे ख्याल में बाकी यूनिवर्सिटियाँ इतना अहम रोल अदा नहीं कर रही